अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मम्मी सर। आज हम लोग का दो दिन हो गए, तीसरा दिन है। आज हम लोग चेकआउट करेंगे, तो ये रूम हम लोग रूम से उतर रहे हैं क्योंकि लिफ्ट से सामान गया है, तो रूम से हम लोग उतर रहे हैं। और आज हम लोग जाएंगे अपने गांव, तो गाड़ी हमने कर ली है ओला। देखिए चाबी, हमारा लड़का रूम चाबी दे रहा है और गाड़ी आ गई है। उन लोग बेचारे बोल रहे हैं वापस सर आइएगा आप, और सलाम किया बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छे वहाँ के जितना स्टाफ था होटल का, आरिफ कासल का बहुत अच्छा स्टाफ था। अभी हम लोग जा रहे हैं ओला करके सीधे अपने गांव। ये देखिए ओला आ गई हमारी, हमारी बहू बेटा और पोता हम लोग के साथ ही जा रहे हैं। रहेंगे थोड़े दिन वो गाँव में, फिर वापस आ जाएगी। सामान थोड़ा डिक्की में रखा है और थोड़ा बैक साइड की साइड में सीट पे रखा है, इसलिए हमारे हस्बैंड पीछे बैठेंगे और हम लोग अपना एडजस्ट कर रहे हैं किधर कहाँ किसको बैठना है। और बहुत ही इंजॉय किया, बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही अच्छा लगा। लखनऊ भी हम घूमे हम लोग, रिश्तेदारों के यहाँ भी गए और लुलू मॉल भी गए। लुलू मॉल गए तो बहुत सेकेंड डे गए, बहुत थक गए। उसका भी वीडियो हमने डाला है और ये काफ़ी टाइम हो गया, वीडियो हमने शूट करके रखा लेकिन अपलोड नहीं कर पाए, टाइम ही नहीं मिला। लेकिन दादा के पास बहुत मज़े से चला गया अपने। ये देखिए आज आरिफ कासल को हम लोग बस बाय कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छे होटल भी है, स्टाफ भी बहुत अच्छा है। वापस से हम ये बात कर रहे हैं क्योंकि सच में स्टाफ बहुत बहुत ख्याल लगते हुए। देखिए ये सब उन्हीं का है साइट का पूरा, आरिफ कासल। और ये थोड़ा शूट करेंगे आगे का, क्योंकि जो 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 एकदम ग्रीनरी है और जो बंगले हैं, जो अच्छी चीज़ दिख रही है उसको हम शूट करेंगे। ये देखिए दो दिन हम लोग आरिफ कासल में रहे, इसकी यादें हम लोग लेके जा रहे हैं। बहुत ही अच्छा लगा, मज़ा आई, इंजॉय किया, बच्चे लोग भी सब आ गए हमारे, बहुत ही अच्छा लगा। अब हम लोग जा रहे हैं। और देखिए जो जो चीज़ अच्छी है, जैसे बंगले हैं, खूबसूरत है, ग्रीनरी है, वो सब चीज़ शूट कर रहे हैं। और ये छोटी छोटी क्लिक करके, छोटी छोटी शॉर्ट क्लिक निकाला है, उसको फिर ज्वाइन करेंगे। और गार्डन भी एक से एक है। और ड्राइवर हम लोग को बता रहे थे कि रिवर साइड गार्डन है, बहुत अच्छा है, वहाँ पर जॉगिंग भी कर सकते हैं, अम्बेडकर पार्क है, ये सब उन्होंने बेचारे जहाँ जहाँ निकले हम लोग वहाँ वहाँ बताया उन्होंने। और बहुत ही मज़ा आया, और बहुत ही पूरा साल वेट करते हैं हम यहाँ आने के लिए लखनऊ। और जब भी आते हैं लखनऊ तो हम ये शूट, एक साल से ही हम यूट्यूब पे आए हैं, तो एक साल से हम शूट कर रहे हैं। बचपन में हम आए, बचपन में यही रहे तालीमगढ़, इसमें इंटर कॉलेज में पढ़े हम, लेकिन ये इतना घूमे फिरे नहीं। और लखनऊ भी आए तो कितना हजरतगंज चले गए या चिड़ियाघर चले गए, तो बस इतना और ज़्यादा। अब ये अब मौका मिलता है, अब हम लोग आते हैं, जैसे होटल में स्टे किया, इससे एक साल पहले आए थे सरोवर पोर्टिको में रुके थे हम 3 दिन, आपकी आरिफ कासल में रुके हैं, तो सब घूमने का, सब नई नई जगह देखने का मौका मिलता है, तो उसमें बहुत अच्छा लगता है। सब मतलब मौका मिला सब देखने का, बचपन में इतना घूमे नहीं फिरे नहीं, इतना रिवाज भी नहीं था उस ज़माने में। अब तो आप कहीं भी जाओ घूमने फिरने का, होटलों में खाने का एक मतलब जैसे रिवाज, सोचिए कि आदमी को शौक हो गया है। देखिए एक से एक गार्डन, बीच में जो इतनी ज़मीन स्पेस मिलता है उसमें भी इन लोग गार्डन बनाते हैं। देखिए ये पता नहीं क्या गार्डन है क्या है, वो बेचारे बताते जा रहे हैं हम लोग, ड्राइवर बहुत अच्छे हैं तो वो सब बता रहे हैं हम लोग को। लुलू मॉल भी गए थे हम लोग, तो बहुत बड़ा है, बाप रे थक गए, पूरा नहीं घूम पाए हम लोग। हम लोग ग्रोसरी का सामान लेते ही लेते वहाँ पे थक गए लुलू मॉल। तो अब चलिए अब यहाँ सिटी से हम लोग जा रहे हैं गाँव में, टाउन में। अब वहाँ का सब क्या क्या है, खेती बाड़ी सब है, अच्छी फ्रेश हवा है, वो सब फील करेंगे और सब दिखाएंगे। जहाँ जहाँ जाएंगे आपको ज़रूर इंशाल्लाह दिखाएंगे। जाते के साथ ही तो घर की साफ़ सफ़ाई करनी पड़ेगी हमको, साफ़ सफ़ाई करनी पड़ेगी, सब 5-6 दिन तो उसी में निकल जाएंगे। तो ये वीडियो हमारा इसलिए 5-6 दिन हुए रह गया और उसको एडिट नहीं कर पाए, अपलोड नहीं कर पाए। देखिए बीच में राउंड गार्डन बनाया है, वहाँ पर स्टैचू बनाया है, शायद मेरे ख्याल से बाबा अम्बेडकर का, किसका क्लीन दिख नहीं पाया। देखिए यहाँ पर टावर ही बहुत बड़े बड़े बन गए, पहले तो टावर दिखते नहीं थे, अब टावर ही बन गए। अब हम लोग पहुँचे हैं हाई कोर्ट पे। हाई कोर्ट, जब भी हम बॉम्बे से लखनऊ आते हैं तो हाई कोर्ट का फ़ोटो शूट ज़रूर करते हैं, फ़ोटो भी निकालते हैं, रिकॉर्डिंग भी निकालते हैं।
तो ये देखिए बहुत ही बड़ा बना है, बहुत ही बड़े एरिया में बना है, बहुत ही खूबसूरत बना है। इसको इसकी शूट किए बिना मेरा दिल नहीं मानता। जब भी आते हो, गए साल भी आए थे तो उसको शूट किया था हमने रिकॉर्डिंग में। ये देखिए कितना ही खूबसूरत बनाया है, एकदम जैसे पहले ज़माने के राज इन लोग के अपने महल बनते थे उस टाइप से उन लोग ने बनाया, बहुत ही अच्छा बनाया है। ये देखिए गाड़ी इतनी फास्ट चलती है, कुछ शूट करने को नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पे सिग्नल हुआ है तो गाड़ी रुकी है, इसलिए हमको करने का मौका मिला है शूट करने का। देखिए इसमें बहुत 3-4-5 गेट हैं, बहुत ही बड़े एरिया में, काफ़ी बड़े एरिया में बना है। ये कोर्ट मेरे ख्याल से अभी पूरा हो गया है, देखिए यहाँ पे एंड है। अभी ये ऑफिसेस हैं कि बिल्डिंग है, उनकी सेम कलर में बनी है, ऑफिसेस हैं कि बिल्डिंग पता नहीं। देखिए सामने टावर तो देखिए कितना ज़बरदस्त बना है, मतलब बहुत ही तरक्की हो गई है लखनऊ। देखिए हमारे देवर आए हैं इनसे हम लोग से मुलाकात करने के लिए। ये देखिए क्योंकि हम लोग उनके घर नहीं जा पाए, मैं ये देवर के साथ मेरी बहन की शादी हुई है, हम लोग उनके घर नहीं जा पाए इसलिए बेचारे मुलाकात आए हम लोग से गाड़ी में करने के लिए। आएंगे इंशाल्लाह गांव में, वो भी उन लोग भी छुट्टी होगी दिवाली की तो आएंगे उन लोग भी। देखिए अब हम लोग कहाँ पहुँचे, पेट्रोल पंप पे आए पेट्रोल भराने। यहाँ CNG नहीं है, ज़्यादातर पेट्रोल और डीजल ही है लखनऊ में। CNG तुमने कहीं भी नहीं देखा, अब पता नहीं मालूम नहीं कहीं है कि नहीं, किधर पेट्रोल पंप है। फिलहाल तो डीजल और पेट्रोल ही चलता है यहाँ ज़्यादातर। देखिए अभी हम लोग आ गए हाईवे पे, ये शायद कोई यूनिवर्सिटी है मेरे ख्याल से, सामने जो बोल बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है कोई लिखा है। देखिए इस पे सामने यूनिवर्सिटी कॉलेज, एक तो बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है लखनऊ यूनिवर्सिटी, बहुत पुरानी, बहुत ज़बरदस्त बनी है। हम लोग अपने बचपन में गए थे अपने मेरे बड़े भाई के साथ, तो वहाँ पे हम लोग गए तो मेरी एक सिस्टर है वो पढ़ती थी उस टाइम पे, छोटे छोटे थे हम लोग गए। बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी, पुरानी यूनिवर्सिटी लखनऊ की, दीदी ये भी कॉलेज है उसमें यूनिवर्सिटी है क्या इसमें लिखा है। हम लोग आ गए इधर हाईवे पे, अब गांव शुरू हो गया, लखनऊ एंड हो गया, अब आएगा नज़दीक आएगा बाराबंकी। अगर खेती अभी इस टाइम पे बारिश आने से कहीं कहीं बहुत खेती का नुकसान हुआ है, धान क्या हो गए पूरे बारिश के से गिर गए, गिरने से क्या अगर फूल गए धान तो समझो बहुत नुकसान, काले पड़ जाते हैं। अब हम लोग आए यहाँ पे एक ढाबे पे आए, चाय वाय नाश्ता वास्ता करेंगे गाड़ी रुक के, फिर इसके बाद हम लोग आगे जाएंगे। हमारे हस्बैंड ने चाय चाट भी बोला बहुत अच्छी बनती है, मटर खस्ता मटर यहाँ पे मिलती है चाट और चाय, हमारे क्या पोता देखिए बहुत ही माशाल्लाह से क्यूट है। लेकिन हम लोग वहाँ चाय लेके आ गए हैं, वो खस्ता तो मेरे को इतना ठीक अच्छा था, चटपटा क्योंकि हम लोग स्पाइसी खाते नहीं थे इसलिए चटपटा जब तक कि चाट वाट ना हो तब तक मज़ा भी नहीं आती। सूट बहला रहे हैं, इनके डैडी जो है पे कर रहे हैं वहाँ पैसा। चाय आ गई है, देखिए यहाँ पे कुज्जे की चाय बहुत मस्त लगती है, मट्टी के जो कुज्जे रहते हैं ना उसमें चाय पी उसका मज़ा ही अलग है। ये देखिए अभी चाट तो आई नहीं, अभी निकले गोगला खुले, ये हम लोग के घर के नज़दीक 5-6 किलोमीटर है हमारे गांव से, इसको ये ब्रिज को जो है गोगला नदी है ये तो गोगला का पुल बोलते इसको, बस इसके बाद 5-6 किलोमीटर के बाद हमारा घर आ जाएगा। यहाँ बहुत बड़ा ही पुल जो बना है नदी है ना गोगला की नदी, ये बहुत इसके साइड में बहुत बड़ा जंगल है
अब तो सब कट वट गए, झाड़ कुछ समझ में नहीं आता जंगल कौन सा। ये दरियावादी स्टेशन आ गया, क्रॉसिंग हो गई, हम लोग क्रॉसिंग हो गई। कभी कभी क्रॉसिंग रहती है तो फिर हम लोग को रुकना पड़ता है गाड़ी। अभी तो खैर खुला था फाटक, अपने हम लोग निकाला है गाड़ी लेके। ये हम लोग आ गए दरियावादी स्टेशन। ये पुलिस स्टेशन है इस साइड में, लेफ्ट साइड में। ये टन यहाँ से भी हो गया। अभी हम लोग आ गए, बस 5-10 मिनट के अंदर घर पहुँचेंगे इंशाल्लाह। पूरे रास्ते सब दिखा रहे हैं आपको, गाय भैंस पैल सब चलते रहते। ये पेट्रोल पंप हमारे रिलेटिव्स ने खोला है, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। दिवाली की तो मेरे ख्याल से स्टार्ट करेंगे हम लोग, ओपनिंग करेंगे। ये छोटी नहर है देखिए, बहुत ही अच्छी जगह है, मस्त एकदम ग्रीन ग्रीन सब चारों तरफ। अब आ गया हमारा घर। ये देखिए हम घर के पास गाड़ी से उतर गए, सामान लेके सब आगे गए हैं हस्बैंड और बेटा, और हम पीछे से इतनी रिकॉर्डिंग निकाल रहे हैं। बता सकें आपको घर तक हम लोग पहुंच गए, और आप सबकी दुआएं, अल्लाह का शुक्र एहसान है कि हमारे डैडी के घर है। सामने झाड़ वाड़ लगे, कड़ी पत्ते के सब झाड़ लगे, पेरू का झाड़ है, मिर्ची के झाड़ है। अब हम लोग पहुँच गए अपने घर। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। नए ब्लॉग में इंशाल्लाह मिलेंगे, जब तक की इजाज़त दीजिए। ये देखिए दरवाज़ा खोल दें, गेट बता रहे हैं पूरा फोटो, अपना दरवाज़ा खोल लें। चलिए फिर दुआ में याद रखिए, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।